दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। रिप्लाइजिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों आज मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूं, ये जानकारी आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी में अमुक अमुक पार्ट पर अमुक अमुक ग्रह का एक अंश होता है। यदि दोस्तों ग्रहों की यदि दशा अगर चल रही है, आप सभी जानते हैं इस बात को कि हमारी जिंदगी में जो भी खेल होता है ग्रहों का होता है। अगर ग्रह योग बना रहे हैं तो आपके पास में पैसा आएगा। अगर ग्रहों ने योग बना दिया तो पैसा आकर भी ऐसी जगह वेस्ट हो जाएगा कि जहां पर आपका मतलब कि आप चाहते नहीं है, बीमारी में या फिर कहीं ऐसी जगह कि बिना वजह खर्च हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि सिर्फ दो पार्ट जो होते हैं बॉडी के, अगर आप इनको स्वच्छ रखना शुरू कर दें और इन पे जो मैं बताऊंगा कुछ मेथड बताऊंगा, कुछ रेमेडीज वो करना शुरू कर देंगे, तो आपके दो ग्रह कंट्रोल हो जाएंगे और पैसे की कमी जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों जानकारी पूरी शुरू करने से पहले बता दूं कि जो भी न्यू विजिटर्स मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और दोस्तों जानकारी अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, आपके एक शेयर से और लोगों का भला हो सकता है। तो दोस्तों आपने कभी देखा होगा कि आपकी जो कोहनी होती है, ये जो कोहनी होती है, प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा, कभी अगर इसमें कुछ हल्का से कुछ टच हो जाता है तो एक वाइब्रेशन होती है, एक करंट जैसा लगता है। आपने सबके साथ में हुआ होगा ऐसा कि कोहनी में कभी भी यहां पर या फिर अमुक पार्ट यहां पर कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ लग जाता है तो एकदम आपको ऐसा लगेगा जैसे करंट लग गया हो। तो एक एनर्जी होती है, एक ऊर्जा है ग्रह की, ये आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं। तो यहां पर जो होता है राहु, राहु का वास होता है और दूसरा पार्ट आपका जो है वो है आपकी एड़ी। ये दो पार्ट्स होते हैं जो इंसान ज्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपकी बॉडी का पूरा बेस आपकी एड़ी पर टिका हुआ है। जितनी भी ऊर्जा आपको मिलती है वो चाहे नकारात्मक है या सकारात्मक है, आपकी एड़ी के जरिए ही, आपके पैरों के जरिए पूरी ऊर्जा आपकी बॉडी में प्रवाहित होती है। और काफी लोगों को मैंने देखा है कि उनकी एड़ी ऐसी होती है कि इतनी ज्यादा फटी होती है, इतने ज्यादा गैप होते हैं। ऐसे व्यक्ति को देखेंगे दोस्तों आप, इनके पास पैसा तो होगा लेकिन कहां इन्वेस्टमेंट करना है ये इनको अकल नहीं होती है। ऐसे लोग हमेशा आप देखेंगे कि सेक चिल्ली वाली बातें करेंगे, पैसा नहीं भी है तब भी अरे मैं तो ये कर सकता हूं, अरे मैं तो वो कर सकता हूं, सेक चिल्ली वाली बातें। और ऐसे लोगों के घर में जिनकी एड़ियां फटी होती हैं, दरिद्रता का वास होता है क्योंकि आपके सारे ग्रह अनकंट्रोल हो जाते हैं। तो करना क्या है दोस्तों आपको, मैं छोटा सा उपाय बता रहा हूं कि जब भी आप नहाते हैं तो आपको अपनी एड़ी को हमेशा स्वच्छ रखना है, घिस घिस कर जितना हो सके उसको घिस करके बिल्कुल क्लीन रखें। आप ये करना शुरू कर दीजिए फिर उसके बाद में देखिए आपके सारे ग्रह कंट्रोल हो जाएंगे, पैसे की कमी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। एड़ी को हमेशा दोस्तों हो सके तो कुछ ऑयल वगैरह लगा के रखें, रात में सोते समय उसमें थोड़ा सा मालिश करें। ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि आपकी ग्रह नक्षत्र कंट्रोल होते हैं। हमारी हर एक बॉडी में, हर एक पार्ट्स में कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रह का अंश है। और जो मैं खास उपाय जो आपको बता रहा हूं, ये एड़ी और कोहनी वाला, ये वाला कुछ ही दिन करके देखिए, आपको लाभ प्राप्त होगा, जरूर लाभ प्राप्त होगा। अब दूसरा आपका जो हो जाता है कोहनी, कोहनी को भी आपको क्या करना है, काफी लोगों की मैंने कोहनी देखा है कि एकदम काली ब्लैक रहती है, एकदम मिट्टी गंदी रहती है, तो ये राहु को खराब करता है। और राहु जिसका बिगड़ गया वो नशे में धुत हो जाएगा, जुआ वगैरह खेलने लगेगा। राहु जो होता है ऐसे लोगों के साथ में टच करवा देगा कि आपकी जिंदगी लाइफ बेकार हो जाएगी, नरक बन जाएगी। और राहु यदि आपका कंट्रोल हो गया तो अचानक से आपकी जिंदगी में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। राहु जो है अचानक से धन दिलवाते हैं। तो अपनी एड़ी को हमेशा स्वच्छ रखें। और दूसरा, अपनी जब कोहनी है नहाते समय इसको भी आपको घिसना है, इसको जितना हो सके रगड़िए और साफ रखिए। और इसके अलावा आप क्या करें कि नहाने के बाद में एक नींबू का थोड़ा सा पीस लेना छोटा सा और हल्का सा नमक लगा करके, और इसमें हल्के हाथ से, आपको इतना नहीं रगड़ना है कि आपकी चमड़ी निकल जाए, हल्का सा इसमें रब कर दें दोनों कोहनी में, इससे आपके राहु कंट्रोल होंगे। डेली करना है आपको, लेकिन ऐसे नहीं करना है आपको कि एकदम रगड़े से चमड़ी निकल आए, बिल्कुल हल्के हाथ से आपको रब कर दिए थोड़ा सा बस नहाने के बाद में, फिर देखिए आपकी जिंदगी में
कैसे अपॉर्चुनिटीज आती हैं आपके जिंदगी में, कैसे सोर्स मिलेंगे कि आपको पैसे कहां से आ रहे हैं, जिंदगी में ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगी। ये प्रयोग को सभी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये छोटे छोटे से उपाय आप जिंदगी में करना शुरू कर देंगे तो आपकी जिंदगी में परेशानी नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। करके देखिए दोस्तों, जब ग्रह कंट्रोल होते हैं तो वो योग बनाते हैं और योग बनते हैं तो जिंदगी में ग्रोथ मिलती है। लेकिन ग्रोथ कैसे मिलेगी जब ग्रह कंट्रोल में होंगे? तो अपनी एड़ियों को नहाते समय हमेशा स्वच्छ रखें, एकदम क्लीन चिकनी रखें एकदम। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में हमेशा आगे बढ़े, हर काम में सक्सेस मिले, पैसे की कभी कमी ना हो, आर्थिक तंगी से ना जूझना पड़े, तो ये प्रयोग करते रहिए दोस्तों, डेली करिए। आप लोग मेरी फैमिली है दोस्तों, यूट्यूब में मैं ऐसी आपको जानकारी देता हूं जो आप इजिली कर पाए और लाभ प्राप्त करें। तो छोटे छोटे से उपाय हैं दोस्तों, करिए पूरे श्रद्धा से, विश्वास से। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।